लिंगुआ। कितनी सारी शक्तियां बाबा की है। तो स्व पर कंट्रोलिंग, ये घोड़ा होता है ना, घोड़े का पहले उसके वो उसको कंट्रोल करते हैं, उस सिंग करके ना उसको कंट्रोल करते हैं, फिर उसको डायरेक्शन देते हैं तो हैंडल कर सकते हैं। और वही घोड़ा अगर उसको ये वाले कंट्रोलिंग वाला नहीं हो, अनट्रेंड हो, इन लोग कितना जो ये घोड़े चल यूज करते हैं, व्हाट उनका वो ट्रेनिंग देते हैं, और जो घोड़ा ये ट्रेनिंग वाले में नहीं होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं भागता रहता है, वाइल्ड रहता है, और जो ट्रेनिंग वाले हो जाते हैं वो पूरे एक्यूरेट एक अर्निंग वाले हो जाते हैं। तो इसी तरह ये मन कंट्रोलिंग रूलिंग तब ही एक्यूरेट हैंडलिंग। तो और उसमें भी खुद के ऊपर हैंडलिंग, हैंडलिंग में भी एक खुद का हैंडल करना और दूसरे को हैंडल करना। तो जब खुद के ऊपर हैंडलिंग कंट्रोलिंग रूलिंग होगी तो पहले खुद को हैंडल कर पाएंगे, तब दूसरों को इजी हो जाता है ना करना। फिर वो बहन का हमने वैसे कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जो 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड स्विम करने गया और फिर जो भी, तो उसने ज्ञान में थी, शौक तो लगता है, फादर तो सुनते ही अनकॉन्शियस, उसने रात तो रात डिसाइड किया कि मुझे एकदम पावरफुल बनना है, कुछ भी हो जाए ये परिस्थिति में, और शिव शक्ति बनी पूरी धीरे धीरे, विद इन बहुत फ्यू डेज में पूरे परिस्थिति को हैंडल कर पाए। तो इसलिए बल्कि कोई सोचे ना कि सबसे ज्यादा ब्रंट जिसके पास है वही अगर पावरफुल बन जाए, नहीं तो दुनिया में कहते हैं कैसे, माँ माँ का दिल है कैसे हो सकता है। लेकिन जहां जिसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना है उसको पावरफुल बनना है, तो हर परिस्थिति में अगर हम ये संकल्प करें तो खुद को कंट्रोलिंग एंड रूलिंग। तो हैंडल, और हैंडल में भी बाबा ने कितना क्लियरली किया, ब्राह्मण आत्माओं को संतुष्ट करना और अन्य आत्माओं को स्नेह देना, दो बातें, बाकी आत्माएं स्नेह से लेकिन संतुष्ट करना। एक बार मोहिनी बहन कहते कि प्रोग्राम किया था तो उसमें 50-50 BKs ब्राह्मण थे जो इन्वॉल्व थे उस पूरे, साकार बाबा के समय की बात है, पूरा प्रोग्राम हुआ, रिपोर्ट गई, 49 खुश थे, संतुष्ट थे, एक असंतुष्ट था। बाबा ने कहा फेल, क्यों असंतुष्ट है? बाबा के पास जब, तो बाबा ने पूछा, तो अब उस आत्मा को इच्छा थी कि मैं ये सेवा करूं, उसको वो दिया नहीं गया, क्योंकि हर चीज में वो सबकी कैपेबिलिटी होती है, कई सारी फैक्टर्स होते हैं। तो बाबा ने बुलाया मोहिनी बहन को, बच्चे सेवा की सफलता सर्व की संतुष्टता, ये क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि फिर उन्होंने, बाबा ने तो एक जैसे डायरेक्ट एक ना स्टेटमेंट ऐसे कह दिया, फिर उन्होंने जब खुद के ऊपर देखा तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा वो क्रोध था जो उस आत्मा को मैंने, तो स्वयं को अंडरस्टैंड किया। तो अगर दूसरा संतुष्ट नहीं होता है उसका रीजन भी, तो ब्राह्मणों में संतुष्टता है और बाकियों में स्नेह। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर हम हैंडलिंग में ज्यादातर 80% तो राइट ही होता है ना, जो भी उसका राइट है उस पर फोकस है, जो उसका रॉन्ग है उस पर फोकस नहीं, ऑटोमेटिक फिर वो 20% भी हो जाता है। तो ये वाला पुरुषार्थ,
फोकस संतुष्ट के लिए ये तरीका है, जो जो अच्छा ही है उस पे फोकस, और बाकी उसके लिए जो हेल्प चाहिए, 20% के लिए क्रिटिसिज्म नहीं पर हेल्प, तो ये वाला पुरुषार्थ करेंगे। हर आत्मा का ड्रामानुसार पाठ एक्यूरेट प्ले कर रही है, प्ले भी नहीं कर रही है, एक्यूरेट। अगर इसका पाठ भाई था क्रोध करने का तो एक्यूरेट है, पाठ क्रोध करने का था तो एक्यूरेट है, क्या बोलेंगे, एक्यूरेट है। नहीं, उसका पाठ दूसरी आत्मा का, मेरा पाठ नहीं। क्यों, ड्रामा में क्रोध वाला पाठ आता ही नहीं है क्या? फिल्म में आता है क्रोध का पाठ? तो ड्रामा है ना, तो क्रोध का भी तो पाठ है, ये वाला पुरुषार्थ। अच्छा जी, आज पुरुष भोग लगाएंगे।